हाँ तो दोस्तों नमस्कार, आपके अपने VPC सेंटर में आप सभी का स्वागत है। जितने भी लोग VPC सेंटर से जुड़े हैं उन सभी को धन्यवाद, और जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि VPC सेंटर में और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ पाएं। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं फिर से वहीं त्रिकोणमिति के बारे में, यानी ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। हम जानते हैं कि 2023 में बोर्ड एग्जाम जो होने वाला है उसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं, और ये क्रेश कोर्स स्टार्ट हो चुका है। इस चैनल पे आपका क्रेश कोर्स स्टार्ट हो चुका है, तुरंत बहुत ही जल्द सब सब्जेक्ट का आपका वीडियो यहाँ पर देखने को मिलने लगेगा। विशेष जानकारी के लिए आप इस पे संपर्क कर सकते हैं। हमारा ऑफलाइन भी कोचिंग चलता है और ऑनलाइन भी चलता है पेड कोर्स, तो इसलिए विशेष जानकारी के लिए आप इस पे संपर्क कर सकते हैं। 90+ मार्क्स लाना है तो आप हमसे जुड़े रहिए। 90+ मार्क्स ये हम गारंटी देते हैं कि आपका 90+ मार्क्स आएगा, लेकिन जो हम बताएंगे वो आपको करना पड़ेगा, और जैसे हम मेहनत कर रहे हैं वैसे ही आपको मेहनत करना पड़ेगा। 90+ मार्क्स लाना है तो आप विशेष जानकारी में नंबर दिए हुए पे व्हाट्सअप कीजिए, आपको विशेष जानकारी दी जाएगी। तो चलिए VPC सेंटर में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उन सभी को धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा, और क्रेश कोर्स मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि क्रेश कोर्स स्टार्ट हो चुका है। आप जितने भी आपके दोस्त हैं फ्रेंड हैं उन सभी को यह वीडियो शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी इससे जुड़ पाए और 2023 में बोर्ड्स एग्जाम की तैयारी वो बेहतर कर पाए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, कुछ इम्पोर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि साइन ए एक संकेत है। साइन ए क्या है? एक संकेत है। यह साइन और ए का गुणनफल नहीं है। आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्या साइन ए का गुणनफल है? तो नहीं, साइन ए का गुणनफल नहीं है। तो ये आप जान गए। तो ऐसे मान लीजिए यहाँ पर साइन थीटा, यहाँ पर आपका लिख देगा साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या है? तो साइन थीटा एक संकेत है। क्या है? एक संकेत है, संकेत है, न कि साइन और मल्टीप्लाई थीटा, न कि साइन और मल्टीप्लाई थीटा। ये क्या है? साइन थीटा एक संकेत है, न कि साइन मल्टीप्लाई थीटा है। ये करना हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो साइन थीटा क्या है? एक संकेत है। ऐसे ही त्रिकोणमितीय अनुपात, जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, 6 क्या है? एक संकेत है, थीटा के रूप में वो संकेत दिया जाता है, न कि वो त्रिकोणमितीय अनुपात और जो भी थीटा होगा वो गुणनफल होगा। 9 वो क्या है? एक ओनली संकेत है। तो पहला हम टॉपिक जो है वो आप बेहतर समझ चुके होंगे, और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हमेशा पूछा जाता है और शायद इस बार भी पूछा जाए। तो चलिए बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक की ओर। तो देखिए दूसरा टॉपिक है हमारा कि साइन थीटा का होल स्क्वायर, साइन थीटा का होल स्क्वायर को साइन स्क्वायर थीटा के रूप में हम लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा के रूप में हम लिख सकते हैं। ये त्रिकोणमितीय अनुपात कोई भी हो, चाहे साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट कोई भी हो 6 में से, वो यदि उसका पूरा होल स्क्वायर रहेगा तो उसको हम लोग स्क्वायर थीटा के रूप में लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका यहाँ पर है टेन ए का होल स्क्वायर, थीटा के जगह पर कोई भी ए अल्फाबेट हो सकता है, यानी ए टू जेड में कोई भी हो सकता है, या फाई हो सकता है या थीटा हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है, इससे आपको नहीं घबराना है। तो टेन ए का होल स्क्वायर है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? इक्वल में टेन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। ये हमारा क्या है? सही है। टेन ए के होल स्क्वायर को टेन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, या कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात, मान लीजिए कॉस, कॉस से फाइव दे दिया आपका कि कॉस फाइव का होल स्क्वायर, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि कॉस स्क्वायर फाइव। तो थीटा के जगह पर ए हो या फाइव हो या कोई भी अल्फाबेट हो, उससे आपको नहीं गड़बड़ाना है। बस आपको ये जानना है कि कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात हो और थीटा हो, उसका होल स्क्वायर दिया हो, तो हम लोग उसको लिख सकते हैं वो त्रिकोणमितीय अनुपात स्क्वायर थीटा। कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात हो तो नहीं घबराना है। तो हमारे समझ से आप दूसरा भी टॉपिक समझ गए होंगे कि साइन थीटा होल स्क्वायर यानी त्रिकोणमितीय अनुपात थीटा होल स्क्वायर को त्रिकोणमितीय अनुपात स्क्वायर थीटा हम लिख सकते हैं। जिनको भी ये समझ में आ गया होगा, तो चलिए बढ़ते हैं तीसरे टॉपिक और। तो हाँ देखिए तीसरा टॉपिक क्या है? साइन थीटा के जगह पर कोई भी हो, मैंने अभी तुरंत बताया दूसरे टॉपिक के, थीटा के जगह पर थीटा हो सकता है, फाई हो सकता है या कोई भी अल्फाबेट हो सकता है, उससे आपको नहीं गड़बड़ाना है। तो यहाँ पर मान लीजिए कि साइन पी का होल क्यूब है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि साइन क्यू पी हम लिख सकते हैं इसको। जैसे मान लीजिए यहाँ पर दे दिए कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात हो, ये जरूरी नहीं कि साइने में लगेगा, नहीं, इत्यादि कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात हो, मान लीजिए यहाँ पर आपका
कौसे है, कौस थीटा का होल क्यू दिया है, ठीक। तो इसको इक्वल टू में क्या लिख सकते हैं कि कौस क्यू थीटा, इसको हम लिख सकते हैं। या अगला हो, मान लीजिए कोई आपका यहां पर दे दिया कॉट, कॉट ए का होल क्यू, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि कॉट क्यू ए, यानी कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात हो, त्रिकोणमितीय अनुपात थीटा संकेत दिया हो और होल क्यू हो, तो हम लोग लिख सकते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात क्यू और थीटा, ठीक। तो तीसरा टॉपिक भी आप लोग समझ गए होंगे, चलिए बढ़ते हैं चौथे टॉपिक की ओर। हाँ, तो देखिए चौथा टॉपिक दिया हुआ है कि चौथा में दिया हुआ है कि साइन ए का होल इनवर्स एक हो, तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि एक बटा साइन ए, साइन ए का होल इनवर्स एक हो तो क्या लिख सकते हैं, एक बटा साइन ए, न कि साइन ए का होल इनवर्स एक हो तो हम लोग उसको लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स ए, ये लिखना हमारा क्या होगा, गलत होगा। यानी कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात पर यह रूल बैठता है, जैसे मान लीजिए यहां पर आपका दे दिया हो सेक थीटा इनवर्स एक, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक बटा शेक थीटा, एक बटा शेक थीटा, ये क्या होगा हमारा सही होगा। यदि इसको आप लिखिएगा शेक थीटा इनवर्स एक को आप लिखिएगा कि शेक इनवर्स थीटा, तो ये हमारा क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो इसलिए आपको ध्यान देना है कि शेक थीटा का इनवर्स एक हो या कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात का इनवर्स एक हो, होल इनवर्स एक होगा तो उसको एक बटा त्रिकोणमितीय अनुपात थीटा लिखेंगे, न कि त्रिकोणमितीय अनुपात इनवर्स वन थीटा लिखेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात हो, उसका होल इनवर्स एक दिया हो, तो उसको क्या करेंगे हम लोग, बट्टा में लिखते हैं, ठीक। हाँ, तो देखिए पांचवा आपका है कि साइन ए इंटू कोसे के बराबर है, साइन ए इंटू कोसे के बराबर है, ये आपका सूत्र है, तो इसको हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। ये पूछ भी देता है कभी कभी दो नंबर में या ऑब्जेक्टिव में, तो पूछते हैं कि साइन ए इंटू कोसे के बराबर कितना होगा, तो एक होगा। लेकिन कैसे, यदि प्रूफ करने के लिए पूछ देगा तो देखिए कैसे प्रूफ हम कर सकते हैं। कल हम आपको एक ट्रिक बताए थे, ट्रिक आपका यही था, लाल बट्टा कक्का, ये क्या था, ट्रिक था त्रिकोणमितीय अनुपात का सूत्र निकालने के लिए। ये साइन पे लगता था, ये कॉस पे लगता था, ये टेन पे लगता था, और हम जानते हैं कि साइन कोसेक का उल्टा होता है, कोसेक का उल्टा होता है, और टेन कॉट का उल्टा होता है। तो देखिए साइन ए दिया हुआ है, तो साइन ए का क्या लिखेंगे, एल बाई के, यानी लंब बटा कोण, तो साइन ए के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, लंब बाई कोण, ये इंटू में है तो यहां पर इंटू का साइन आप दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। देखिए कौशिक का क्या लिख सकते हैं, तो हम जानते हैं कि साइन ए जो होता है वो ठीक कौशिक का विपरीत होता है, या कौशिक जो होता है वो ठीक साइन ए का विपरीत होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि कोण बाई लंब, कोण बाई लंब, तो देखिए तो लंब से लंब कट गया, कोण से कोण कट गया, यानी एक वन वन टाइप में कट गया, तो इसका वन वन से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, वन, क्या होगा, प्रूफ हो गया, बराबर आर एच एस आपका आ गया प्रूफ। तो इसी प्रकार ये आप इसको प्रूफ कर सकते हैं। इसका एक और, हाँ, कॉस ए कॉस ए इंटू से के, कोसे इंटू से के का रिलेशन बनता है, इसका भी वन आंसर होता है। कैसे, आप देख सकते हैं कोस को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो देखिए तो कोस को क्या लिख सकते हैं, ए बाई के, ए मीन्स आधार और के मीन्स कोण, तो कोस का क्या होगा, ए से आधार, के से कोण, ए से आधार और के से कोण, तो देखिए तो मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई, सेक का क्या लिख सकते हैं, ठीक इसके विपरीत होता है, तो कोण बाई आधार, कोण बाई आधार, तो देखिए तो आधार से आधार इधर कट गया, कोण से कोण इधर कट गया, क्या आया, वन आया, प्रूफ हो गया। अब देखिए इसका एक और रिलेशन बनेगा, इसका अब त्रिकोणमितीय अब दो ठो बचा है, कौन कौन, टेन ए इंटू कोट, इसका भी वन होता है, ठीक। कैसे, तो टेन ए का क्या होगा, देखिए तो टेन ए का एल बाई ए, एल बाई ए यानी लंब बाई आधार, एल से लंब, ए से आधार, तो लंब बाई आधार, हम जानते हैं कि ठीक इसके विपरीत कौन होता है, टेन के ठीक विपरीत क्या होता है, कोट होता है, तो कोट का क्या लिख सकते हैं हम, आधार बाई लंब लिख सकते हैं, देखिए तो आधार बाई लंब लिख सकते हैं, तो देखिए तो लंब से लंब कट गया, आधार से आधार कट गया, तो कितना आया, वन आया, प्रूफ हो गया, ये देखिए प्रूफ हो गया तीनों। तो ये आपका सूत्र है, और यदि प्रूफ करने के लिए पूछ देगा तो आप निकाल सकते हैं। तो आपने देखा
जितने भी मैंने 7 टॉपिक बताए, ये 7 टॉपिक एग्जाम में आने वाला है, या ऑब्जेक्टिव में पूछे या सब्जेक्टिव में पूछे, ये जितना भी, ये जो 4 टॉपिक है ये ऑब्जेक्टिव पूछता है, और ये आपका ज्ञान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत कम लोग आपको यूट्यूब पे बताएंगे ये सारी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ। तो बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जितने भी स्टूडेंट 2023 में बोर्ड्स एग्जाम देने वाले हैं वो इस वीडियो को देखें। यदि आपको 90+ मार्क्स चाहिए तो आप इस वीडियो को जरूर देखें, और हम कुछ ही दिन में सारे सब्जेक्ट का टॉपिक वाइज वीडियो लेकर आने वाले हैं। बस आप हमसे जुड़े रहिए, विशेष जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं दिए हुए नंबर पे, या कमेंट में आप नंबर मांग सकते हैं, या कमेंट करिए, आपको पूरी तरह से हेल्प की जाएगी। क्रेश कोर्स चल रहा है आपका, ऑफलाइन भी क्रेश कोर्स चल रहा है, आप हमसे संपर्क करिए, और पेड कोर्स वाला पर भी क्रेश कोर्स चल रहा है। तो देखिए, पेड क्यों किया जाता है, क्योंकि पेड पे कुछ अलग से बताया जाता है, कुछ अलग से टाइम दिया जाता है, क्योंकि देखिए यूट्यूब है तो यूट्यूब पे हम उतना टाइम नहीं दे पाते हैं, क्योंकि पेड कोर्स वाले पे भी देना होता है और ऑफलाइन जो बैच चलता है उस पे भी देना होता है। तो इसलिए जितने भी छात्र हैं, और पेड कोर्स में बहुत ज़्यादा खर्च नहीं लग रहा है, बहुत कम दामों में आपको बहुत क्रेश कोर्स पढ़कर आप 90+ मार्क्स लगते हैं, बहुत बड़ी बात होती है। हम जुमलेबाजी नहीं कर रहे हैं, आप एक बार हमारा पेड कोर्स लीजिएगा तो खुद आपको समझ में आ जाएगा। तो आपने आज जो मैं पढ़ाया वो समझ में आया कि नहीं, कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।